बिहार में भले ही सरकार बदल गई हो, महागठबंधन की बजाय अब एनडीए की सरकार बिहार है, लेकिन नौकरी देने का सिलसिला, लोगों को जो सरकारी नौकरी देने का सिलसिला है वो नहीं थम रहा। और ऐसे में आज एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2133 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। बिहार सचिवालय सेवा अंतर्गत 1333 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत 228 सहायक अध्यापक और 572 व्याख्याता को भी नियुक्ति पत्र आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सौंपेंगे। और मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में आज 12:30 बजे से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होगा। और ऐसे में नीतीश कुमार के साथ बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी के जो मंत्री हैं वो भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो लगातार ये वादे किए थे कि हम लोगों को 1,00,000 नौकरी देंगे, तो भले ही वादे उस वक्त हुए थे जब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव थे, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो लगातार नौकरियां बांट रहे हैं। पहले भी कई शिक्षकों को, लाखों शिक्षकों को नौकरी दी, और उसके बाद अब धीरे धीरे जो नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, बिहार सरकार जो नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रही है, तो उसमें भी जो प्रोफेसरों की बहाली है वो लगातार की जा रही है। और ऐसे में जो सारे जो व्याख्याता है, यानी कि जो लेक्चरर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, अब उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लगातार जिस तरह से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये नौकरी की क्रेडिट लेने की बात करें, तेजस्वी यादव नौकरी देने की क्रेडिट ले रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें क्रेडिट नहीं देना चाहते। और साथ ही साथ जो एनडीए की सरकार बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि हम जब युवाओं के बीच जाएं तो नौकरी की बात करें, और नौकरी को लेकर कैसे क्रेडिट लेना है इसको लेकर लगातार नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार जो है वो लगातार पहल कर रही है। नीतीश कुमार को भी अब ये समझ आने लगा है कि अगर हम युवाओं को नौकरी नहीं देंगे तो युवा हमसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से तेजस्वी यादव ने नौकरियां बांटी और युवाओं का जो हुजूम उमड़ा, जो दूसरे राज्य के युवा भी जब बिहार में पहुँचने लगे, नीतीश कुमार का गुणगान करने लगे, तो ऐसे में नीतीश कुमार को अब सीधे समझ आने लगा है कि नौकरियाँ बांटने पर ही जो युवा है उनका प्यार मिलेगा। और इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नौकरी बांट रहे हैं, और एनडीए की सरकार बनने के बाद ये नियुक्ति पत्र वितरण का जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो पहला कार्यक्रम है एनडीए की सरकार बनने के बाद। इससे पहले कई मंत्रियों ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खुद एनडीए की सरकार बनाने के बाद पहली बार जो युवा हैं उनको नियुक्ति पत्र देंगे। 12:30 बजे से मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित संवाद में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जो 1,00,000 नौकरी के वादे भले ही मुख्यमंत्री ने तेजस्वी के साथ किए थे, लेकिन नीतीश कुमार अब एनडीए में आने के बाद भी अपने वादे को निभाते नजर आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।